बिसम ला रिम्स डियर स्टूडेंट्स आज मैं एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फोर्टीन स्टार्ट करती हूँ इफ़ वन ओवर ए वन ओवर बी एंड वन ओवर सी आर इन ए पी दैन शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज़ ए माइनस सी ओवर टू ए सी तो हमें गिवन है कि थ्री टर्म्स हैं जो कि ए पी में और हमने शो करना है प्रूव करना है कि हमारे पास उनका कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या आ रहा है ए माइनस सी ओवर टू ए सी के इक्वल सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन दैट गिवन दैट वन ओवर ए वन ओवर बी एंड वन ओवर सी आर इन ए पी स्टूडेंट्स अगर कोई टर्म्स ए पी में है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है हमारे पास उनकी कोई भी टू कंजक्टिव टर्म्स ले लें उनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा दिस मीन्स दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजक्टिव टर्म्स कंजक्टिव टर्म्स विल बी सेम वो सेम होना चाहिए ठीक है अब ए बी सी यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो ए बी सी जनरल टर्म से हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता अब मैं क्या करती हूँ इनकी फ़र्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस देती हूँ डी इज़ इक्वल टू वन बाय बी माइनस वन बाय ए इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर वन अब इसकी लास्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेते है तो वन बाय सी माइनस वन बाय बी आएगा डी इज इक्वल टू वन बाय सी माइनस वन और बी इसको मैंने कह दिया टू अब नेक्स्ट हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर वन और टू को सिंपली ऐड कर देते हैं एडिंग टू तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड तो यहाँ पे क्या आ गया डी प्लस डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है वन ओवर बी माइनस वन ओवर ए और सेकेंड में क्या वन ओवर सी माइनस वन बाई बी प्लस वन ओवर सी माइनस वन ओवर बी ये प्लस है ये माइनस है ये दोनों कैंसिल हो गए डी प्लस डी क्या आ गया टू डी इज इक्वल टू मैं पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख रही हूँ वन ओवर सी माइनस वन ओवर ए यहाँ से अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या करना है इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेना तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास ए सी के इक्वल ए सी अब देखिए यहाँ पे मैंने ए सी लिया ठीक है अब पहले मैं सी से डिवाइड करती हूँ जब सी से डिवाइड करूँगी मुझे सी के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है कि ए सी है वो ऑब्वियसली बात है ए ही होगा सी इन टू ए सी ही आएगा ये ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ गया ए इस ए को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वन से यहाँ पे ए इंटू वन इज इक्वल टू ए नेगेटिव का साइन अब नेक्स्ट हमने ए सी को मल्टीप्लाई करना है ए से सॉरी डिवाइड करना है ए से तो ए से किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ कि ए सी आई सी होगा ए सी तो यहाँ पे सी आ गया इस क्वेश्चन सी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं वन से सी इन टू वन सी तो मुझे एक्चुअली चाहिए क्या डी की वैल्यू तो मैं यहाँ से डी को सेपरेट कर लेती हूँ डी इज़ इक्वल टू ए नेगेटिव सी ओवर टू ए सी ये मेरे पास आ गई कॉमन डिफरेंस की वैल्यू और हमने प्रूव भी यही करना था कि शो करना था कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस सी ओ टू ए सी है तो ये हमारे पास प्रूव हो गया प्रूव्ड हैं प्रूव्ड हैंस इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंप्लीट हुआ होप सो आपको क्लियर हो गया अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक like, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज